అయిపోయినా వచ్చేయండి అక్కడ వెయిటింగ్ చాలా మంది వెయిట్ చేస్తారు ఏదారా బాబు हेलो एवरीवन, वेरी वेरी वॉम वेलकम टू अवर चैनल। आप सब कैसे हैं? हैप्पी महाशिवरात्रि। तो अभी जस्ट मैं आई थी मंदिर जाकर, और आने के बाद फिर हमने आज खाई हैं फ्रूट्स। काफ़ी दिन हो गए थे, मतलब के फ्रूट्स तो खा ही लेते हैं लेकिन इतनी प्लेट भर के एक साथ नहीं खा पाते। कभी दोपहर को खा लिया, कभी थोड़े से ले लिए, ऐसे करके लेते। तो अभी मुझे लगा था कि हम पूरी प्लेट भर के सीधा प्लेट ब्रेकफास्ट में ही खाते हैं, थोड़ा थोड़ा नहीं खाएंगे। तो अभी हम लोग इसके ब्रेकफास्ट करने के बाद थोड़ी सी देर में ही हम लोग बाहर जाएंगे संडली। फिर मेरे हस्बैंड ने बोल दिया कि चलो आज मुझे भी छुट्टी है और कोई काम नहीं है शिवरात्रि के कारण, तो चलो आज आपको वहाँ पर लेके जाता हूँ जहाँ पर आप जाना चाहते थे। मैं पिछले साल भी जाना चाहती थी लेकिन मैं जा नहीं पा रही थी। वो कौन सी जगह है वो आपको आगे जा के पता चलेगी। तो अभी आप हमारा ब्लॉग इंजॉय करिए और फ्रूट्स खाइए, मस्त रहिए। और फ्रूट्स ज़रूर खाना चाहिए, इससे हमारे शरीर का संतुलन बना रहता है। और पपाया और वाटरमेलन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पपाया हमारे पेट को साफ़ कर देता है और जो भी बैक्टीरियल वगैरह होता है वो भी ठीक कर देता है। तो अभी इंजॉय करें। मोटू बी लो, तुसी आए सी ना, मेरा शांति नहीं, मैं देख लिया सी। सैंग कित्थे ना? सैंग उत्थे होना। तो अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा बाहर, और बाहर जा रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं वो आपको वहाँ पर जाके पता चलेगा। तो मैंने यही सेम कुर्ता पहना है। अभी जस्ट मंदिर गई थी, मंदिर के आने के बाद हमने ब्रेकफास्ट किया, तो फिर मेरे हस्बैंड बोल रहे चलो आज एक स्पेशल जगह पर चलते हैं। तो वो जगह कौन सी है वो वहाँ पर जाकर बताऊँगी। अगर वहाँ पर भीड़ नहीं हुई तो मैं वीडियो शूट करूँगी, अगर हुई भी तो भी थोड़ा सा दूर से निकाल ही लूँगी मैं कहाँ पे जा रही हूँ। चलो ठीक है, आपको भी बताऊँगी जाकर। अच्छा
शिवलिंग ना मुझे यहाँ पर नीचे दिखाई नहीं दे रहा है, बहुत सारे लोग हैं और मुझे अंदर जाना पड़ता, और मेरे हस्बैंड ना रोड पर वेट कर रहे हैं और पुलिस वाला वहाँ पर खड़ा है और गाड़ी निकालने को बोल रहा है, तो हस्बैंड आ गए हैं। तो मैं हाँ ऊपर से थोड़ा सा वीडियो लूँगी, क्योंकि ऊपर से ना वीडियो मैं ले सकूँगी, थोड़ा सा दिख जाएगा। तो ये फेमस है, बहुत सारे शिवलिंग मिलाकर एक शिवलिंग बनाया जाता है। तो बस अभी मैं आप सबके साथ बाद में मिलती हूँ, ठीक है आप सबको। अभी मैं बैक कैमरा से लेती हूँ। मैंने क्लिप ले लिया और हस्बैंड खड़े हैं उधर, तो बस जा रही हूँ उधर, और मेरी सांस चढ़ रही है। ले ली लेकिन ना क्लोजली नहीं, पर पीछे गंदे तो क्लोजली नहीं ली, इतने निकलो गंदा। इस व्लॉग का पार्ट टू भी आएगा, क्योंकि ये व्लॉग बहुत बड़ा हो गया था और हम लोग अभी कहाँ जाने वाले हैं वो तो मेरे को भी नहीं पता चला था, वहाँ पर जाकर ही पता चला था, और इस यहाँ का भी मुझे पता नहीं था, ये भी सरप्राइज़ ही था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं शिप जो कि ड्रिजिंग का काम करती है, वो तो आपको पता ही होगा कि समंदर का पानी जब आगे आ जाता है तो ड्रिजिंग की जाती है। तो बस आपको मिलूँगी मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।